आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की टीम ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित ग्राम पाडली बाजे पहुंची। लगभग 5500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 13 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में राजेंद्र सिंह इस गांव के प्रधान हैं। वर्तमान प्रधान के इस गांव में कुल वोटर संख्या लगभग 2370 है तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 513 बताई गई। बात अगर सभी तरीके के लाभों की करें तो गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभ जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी तरीके के लाभार्थी पूरी तरीके से लाभान्वित होते हुए भी दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पता लगा कि प्रधान द्वारा गांव में लगभग 32 हैंडपंप लगवाए गए हैं जिससे गांव में पानी की आपूर्ति को पूरा रखा जा सके। साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रखने के उद्देश्य से 62 बिजली के पोल व 6 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गाँव में लगवाए गए हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 160 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही खड़ंजों को सीसी सड़कों में परिवर्तित भी करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से गांव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले पात्रों को आवासों का आवंटन किया जा चुका है। वहीं उन्होंने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में नाले का निर्माण कराएं, साथ ही साथ सरकारी पानी व टंकी की व्यवस्था भी सरकार जल्द से जल्द दुरुस्त कराए। उन्होंने ग्रामीणों के लिए लगभग 200 आवासों की और मांग रखी है। उन्होंने बताया कि उनके घर में पंचायत घर अभी तक नहीं बना है जिसके लिए सरकार से गुहार लगाई गई है। मेरा भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे ग्राम में बहुत समस्या है, मेरे गांव में और बहुत रास्ते होने हैं और काफ़ी रास्ते जंजर पड़े हैं, लोगों को परेशानियाँ पड़ रही हैं और कम से कम 200 गरीब व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आवास मिलने चाहिए। राशन कार्ड भी धारक मेरे गांव में ऐसे हैं जिन पर 200 राशन कार्ड धारक को राशन नहीं मिल पा रहा और अन्य योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा। और मैं सरकार से, यूपी सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ कि मेरे गांव में शीघ्र लाभ पहुँचाने की कृपा करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पैसा पहुँचाने की कृपा करें, क्योंकि ये गांव जो है हमारा पिछड़ा गांव है, पिछड़ा वर्ग रहता है इसमें, इस गांव की कोई सुनवाई नहीं करता। अगर मैं प्रधान बना हूँ तो प्रधान और भी बने हैं, बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि सबका भविष्य बढ़िया हो और गरीब मेरे खुशहाल है, मेरा गांव खुशहाल है। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों के बारे में बताया कि प्रधान कार्य अच्छी तरीके से कर रहे हैं लेकिन अभी भी गांव में अव्यवस्था देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि पानी की निकासी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है जबकि स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल सी पड़ी दिखाई देती है। ग्राम पाडली बाजे में रहता हूँ मैं और विकास गाँव में करा रहे हैं प्रधान जी, अच्छी सोच है प्रधान जी के विकास के बारे में, कराने सोच रहे हैं, बहुत करा रहे हैं मगर जो सरकार से उम्मीदें थी वो विकास नहीं मिल पा रहा है। लिख लिख कर देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी बहुत गरीब ऐसे जिन्हें आवास नहीं मिल रहे हैं, बहुत काम रुके हुए हैं गाँव में, ऐसे बहुत रास्ते रह गए हैं। अब सरकार पर उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही सरकार से, कुछ काम ऐसे हैं करा दिए हैं, कुछ अधूरे पड़े हैं अभी।